अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आप लोगों के लिए आज भटूरे की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसे भटूरे बन के रेडी होंगे, बल्कि उससे भी अच्छे। तो एक मिक्सिंग बाउल ले ले, उसके अंदर एक कप के करीब हम दही डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हम नमक डालेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के इसको हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे इसमें, लगभग 2 टेबलस्पून के करीब। ये हमने 300 ग्राम के करीब पानी को गर्म करके रख लिया है। अब भटूरे में हम इसी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्सर से मिक्स कर लेंगे जब तक इसकी चीनी घुल ना जाए। अब जब इसकी चीनी अच्छे से घुल जाएगी तब इसके अंदर हम 4 कप के करीब, लगभग 1/2 किलो ये मैदा है, इसको छान के इसमें डालेंगे हम। मैदे को हमेशा इसी तरीके से छान के ही डालना चाहिए। अब देखिए सारा मैदा डाल दिया हमने, अब इसको भी छान लेंगे। अब सारा मैदा छान चुके हैं हम, अब इसको इसी दही में पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भटूरे बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं और बिल्कुल भी ये ऑयली ऑयली से नहीं थे। जैसे हम मार्केट में खाते हैं थोड़े ऑयली ऑयली से हमारे गले में लगता है, ये नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हम गुनगुना पानी जो हमने रखा था वो थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए इसको एक लचीला सा आटा तैयार कर लेंगे हम भटूरे का। थोड़ा थोड़ा सा ये पानी डालें इसमें हम, देखिए इस तरीके से लचीला आटा तैयार कर लिया। अब 1 टीस्पून के करीब हाथों में ऑयल लगा लेंगे। और फिर हल्का सा इसको गूंद लेंगे। आप चाहे तो ऑयल पहले भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से ढक के 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। उससे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि आटा हमारा सूखे नहीं। देखिए 1/2 घंटा हो चुका है, आटा हमारा थोड़ा सा फूल भी गया है। अब इसको एक बार हल्के हाथों से फिर से मिक्स कर लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक रोटी के बराबर ही इसमें से हम लोई निकाल लेंगे और लोई को बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने से क्या होगा, भटूरे हमारे कहीं से भी क्रैक नहीं पड़े होंगे। इस तरीके से एक स्मूथ सा लोई बना लें। अब आटे को स्प्रिंकल कर देंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखिए, बेलते हुए हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से उठा उठा के इसको ना बेले। इसको उठा के इस तरीके से बेलने से क्या होगा कि ये ना छोटे हो जाएंगे उठाते ही। देखिए इस तरीके से अगर उठाते रहेंगे तो इस तरीके से नहीं बेल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक जगह पे ही इसको आगे और पीछे इस तरीके से फैलाना है। इसमें मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है कसूरी मेथी, आप बिना कसूरी मेथी के भी बना लें तब भी बहुत टेस्टी बनेंगे। इस तरीके से आगे पीछे फैलाते हुए बड़ा कर लें इसको। अब मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, अब उसके अंदर हम ये डाल देंगे। जब उठा के अब इसको कढ़ाई में डालेंगे जब तक ये थोड़ा सा सुकड़ जाएगा। ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे गर्म कर लें और इसको जब हम भटूरे तैयार करेंगे तो इसका फ्लेम को हम मीडियम कर दें, नहीं तो भटूरे ऊपर से जल जाएंगे, काले हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। देखिए कितने अच्छे हमारे भटूरे बन के रेडी है, बहुत ही ईजी तरीका है इसका। आप भी इसी मेथड से भटूरे बनाएं, आपके भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। और इसे आप छोलों के साथ सर्व करें। तो चले मैं भी इसे सर्व करती हूँ छोलों के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।